आज शहजादा मूवी रिलीज हुई है जो कि अला वैकुंठपुरम उल्लू की रीमेक है और अला वैकुंठपुरम अल्लू अर्जुन की एक ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसका सीन टू सीन कॉपी किया गया है इस मूवी में। तो पहले मैं इस मूवी के बारे में बोल लेता हूँ कि अगर ये मूवी तुम्हें देखने भी चाहिए या फिर नहीं, तो अगर तुमने अला वैकुंठपुरम उल्लू नहीं देखी है फिर ये मूवी मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में इस मूवी को लेकर कुछ क्वेश्चन है जैसे कि ये मूवी एक रीमेक है फिर ये अच्छी मूवी होगी या फिर नहीं, तो एज रीमेक वाइज ये उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि रीमेक का भी एक फंडा होता है जहाँ पे डायरेक्टर्स चीजें चेंज कर सकते हैं। रीमेक का मतलब ये नहीं है कि तुम ड्रेस, जोक्स और जगह भी कॉपी कर लो। और इस मूवी को देख के लगता है कुछ डायलॉग्स भी बहुत जगह पे कॉपी की गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एविडेंट है। तो ये रिव्यू दो टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए है, एक जिन्होंने अल्लू अर्जुन की मूवी देख ली है और दो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है अल्लू अर्जुन सर की मूवी। तो अगर आपने अल्लू अर्जुन सर की मूवी देख लिया है फिर ये मूवी आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ऐड नहीं किया गया है जिसे देख के आपका माइंड ब्लो हो जाए। एक्टर्स के काम अच्छे हैं, गाने भी ठीक ठाक है, फाइट सीन्स कॉपीड तो है लेकिन चल जाता है। लेकिन फिर भी सिर्फ यही तीन चीजों के लिए मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने टाइम और पैसे बर्बाद करके ये मूवी देखने की जरूरत है। तो अब आते हैं जिन्होंने अल्लू अर्जुन सर की मूवी नहीं देखी है, फिर ये मूवी तुम जाके देख सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है क्योंकि ये मूवी फैमिली मूवी है, कुछ ज्यादा रॉ सीन्स नहीं है, फाइटिंग सीन्स को देख के भी तुम एंजॉय कर सकते हो, मूवी बोर नहीं करती बिल्कुल भी। लेकिन बात वहीं पे आके अटक जाती है क्योंकि डायरेक्टर ने कार्तिक को पूरा अल्लू अर्जुन बनाने की कोशिश की है, तो हर दो या एक सीन में तुम अल्लू अर्जुन के साथ कार्तिक आर्यन की कॉपी करने जाते हो और यहीं पे आके मूवी अटक जाती है। अगर तुम्हें कोई मूवी की रीमेक बनानी है फिर ऐसी बनाओ जो मूवी किसी ने देखी ना हो या फिर मूवी में कुछ चेंजेस करने की जरूरत हो। लेकिन अगर मूवी परफेक्ट है तो मुझे नहीं लगता उस मूवी को रीमेक की जरूरत है। और ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है कि साउथ की मूवी है तो डब नहीं की गई है, आजकल की सब साउथ मूवीज को डब किया जाता है। और अला वैकुंठपुरम उल्लू मैंने भी बहुत बार टीवी में देखा हुआ है तो मुझे लाइन टू लाइन और सीन टू सीन पता है कि आगे क्या होने वाला था, तो मूवी तो मेरे लिए वहीं पे स्पॉइल हो गया। फिर मैंने थोड़े होप्स लगाए थे कि डायरेक्टर शायद कुछ चेंजेस किया होगा लेकिन वहीं पे मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। वैसे मुझे नहीं लगता ये मूवी कुछ ज्यादा कर पाएगी, शायद वीकेंड में कुछ करोड़ कमा ले लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालने वाली है। कार्तिक आर्यन ने संभालने की कोशिश तो की है लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती है एक अल्लू अर्जुन सर की मूवी के रीमेक में साइन करना। खैर बंदा क्या ही करे, अगर बॉलीवुड में टिकना है तो ये सब करना तो पड़ेगा ही, वरना ओवर एक्टिंग करने वाले बंदे सब मूवीज को ग्रैब कर लेंगे। अला वैकुंठपुरम नहीं देखी है तो उनके लिए बता दूं इस मूवी में परेश रावल कार्तिक आर्यन का बाप है और कृति सैनन कार्तिक आर्यन की ऑफिस बॉस है और रॉनी ट्रॉय जिनके अंडर परेश रावल काम करते हैं उनके घर में कार्तिक आर्यन का घुसला बना है। लेकिन क्यों वो आपको मूवी देख कर पता लगेगा। मूवी में एक क्यूट सा लव एंगल दिया गया है कार्तिक आर्यन और कृति सैनन के बीच में जो शायद रील से निकलकर अब रियल लाइफ में आ गई है। खैर वो सब कंट्रोवर्सी वाली बातें हैं। लेकिन मूवी का जो मेन विलन है वो कौन है वो अगर तुमने नहीं जाना है अभी तक फिर ये मूवी जाके तुम एंजॉय कर सकते हो। मूवी एकदम टट्टी तो नहीं है तो इसी वजह से मैं इसके लिए ज्यादा हार्श नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसी मूवी बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं जो पहले से ही एस्टेब्लिश है। लेकिन जो रीजनल मूवीज किसी के सामने नहीं आती और अंडर शैडो हो जाती है उन सबको तुम रीमेक बना सकते हो। खैर आज एंटमैन क्वांटमेनिया भी रिलीज हुआ है और मूवी कितना ज्यादा बढ़िया है उसका रिव्यू ऑलरेडी आ चुका है इस चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर इस वीडियो को देख के तुम्हें फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड पॉप कल्चर से रिलेटेड ऐसे ही न्यूज में अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच शो डिफाइन, कर दो या सब्सक्राइब वरना तुम्हारे सपने में बाकी 3 का टाइगर शॉप आ जाएगा।